all of you. You are most welcome on our YouTube channel, Dr. Akhilesh Sharma. हम डिस्कस करेंगे जो टॉपिक है बेटा एसेप्सिस के बारे में. एसेप्सिस, एसेप्सिस मींस फ्री फ्रॉम इंफेक्शन, फ्री फ्रॉम इंफेक्शन, फ्री फ्रॉम इंफेक्शन, फ्री फ्रॉम पैथोजेंस या फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन. आप कुछ भी शब्द बोल सकते हैं बेटा. कंटामिनेशन क्या होता है ये बताओ बेटा, कंटामिनेशन का मतलब क्या होता है? सर एक बार कैसे डिफरेंट, एक इक्विपमेंट है ये फ्री फ्रॉम वो है कि सबसे मैं कोई आया बारिश आके बैठ गया उस चीज को कंटामिनेशन मींस आपके कोई भी चीज फ्री फ्रॉम इंफेक्शन है, फ्री फ्रॉम पैथोजेंस है, उस पर कोई कीटाणु मौजूद नहीं है, बाहर के बंदे ने आके उसे टच किया, उसको यूज कर लिया या उसको इन्फेक्टेड कर दिया, इसको बोला या कंटामिनेशन. कंटामिनेशन कॉन्टेक्ट में आ गया उस फ्री एसेप्सिस चीज के अंदर. जो चीज इंफेक्शन फ्री, पैथोजेंस फ्री, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री है, उसके कांटेक्ट में कोई ऐसी चीज आ जाए जो उसके अंदर इंफेक्शन फैलाने की पावर दे जाए, उसको क्या बोलेंगे? कंटामिनेशन. तो फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन, फ्री फ्रॉम पैथोजेंस और फ्री फ्रॉम इंफेक्शन इज कॉल्ड एज एसेप्सिस. एसेप्सिस मींस उस चीज के ऊपर बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, पैरासाइट्स ये कोई नहीं होने चाहिए, ना इनका उस चीज के साथ कांटेक्ट होना चाहिए. यदि मैं इसको बोलूं ना ये पैन एसेप्सिस है, एसेप्सिस मींस यहां से यहां तक कोई कीटाणु मौजूद नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्योर, कि यदि मैं इसे चाट भी जाऊं तो कोई इन्फेक्शन ना हो. और यदि कोई पर्सन या कोई उसको कंटामिनेट मींस टच कर दिया अपने गंदे हाथों से या इंफेक्शियस हैंड से या नॉर्मल हैंड से और फिर मैं इसे टच करूंगा तो दैट विल लीड इन्फेक्शन, मैं चाहती हूं इसको तो इन्फेक्शन हो सकता है. एसेप्सिस की जब हम बात करते हैं बेटा तो दो तरीके का एसेप्सिस होता है, एक तो होता है मेडिकल एसेप्सिस और एक होता है सर्जिकल एसेप्सिस. जब हम बात करते हैं मेडिकल एसेप्सिस, ऑल्सो कॉल्ड क्लीन टेक्निक, इट हेल्प्स रिड्यूस द नंबर एंड स्प्रेड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये मेडिकल एसेप्सिस क्या करता है बेटा, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्प्रेड होने को रोकता है. इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं बेटा? सबसे पहले हाथ को नॉर्मली क्लीन हैंड्स फ्रिक्वेंटली, हाथों को क्लीन करते रहना है. आप हॉस्पिटल में यूज काम करते, वार्ड में या पेशेंट के साथ काम करते, आपको यह आदत लगनी चाहिए कि आप हॉस्पिटल्स के अंदर बार बार हैंड वॉश करते हैं. सॉइल्ड आइटम्स को यदि आप टच करते हैं, टचिंग क्लोथिंग, कीप सॉइल्ड आइटम्स एंड इक्विपमेंट फ्रॉम टचिंग एंड टचिंग क्लोथिंग. आप जो सॉइल्ड आर्टिकल्स हैं उन्हें टच करने की कम आदत डालें. टच मींस ये नहीं नंगे हाथों से टच कर ले, अरे टच करना ग्लविंग्स पहनो, ग्लव्स पहनो, उसके थ्रू टच करो. Do not place soiled bed linens or other items on the floor. सबसे बड़ी बात क्या है? सुबह वाला एसके आया, वो बिस्तर से यूं खींचेगा चद्दरों को गुस्से में, जैसे फाड़ने के लिए आया हो, और उनको लेके नीचे डाल देगा. जोर जोर हट जाओ, वो खींच रहा है, फटकार है, धूल उड़ रही है, डस्ट उड़ रही है, वो क्या करता है? इन्फेक्शन पैदा करता है. सबको उठा के नीचे डालना है. सॉइल्ड लिनन्स को जो ज्यादा सॉइल्ड हो चुकी है उनको अलग रखना है. सॉइल्ड आइटम्स को appropriate containers के अंदर डालना. Soiled means used हो चुकी है, बेकार हो चुकी है, infected हो चुकी है, उनको बोला गया soiled items. Means यदि कोई cannula, कोई disposable या disposable syringe या कोई blood sac या IV fluid की कोई बोतल यूज हो चुकी है तो उसको उसके proper container में डालना है. उसके बाद में यदि कोई चीज बोतल आधी भरी हुई है IV fluid की, उसको आधी की जरूरत है, आधी बच गई, आप उसे प्रॉपर उस पानी को जहां पर आप ड्रेन करने की जगह वहां पर ड्रेन करके और जब उससे सारा फ्लूड निकल जाए तो आप उसे प्रॉपर वेस्ट जहां पर आप डालते हैं वहां डालेंगे अकॉर्डिंग टू कलर कोड और अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल वेस्ट. हमेशा अवॉइड लीनिंग अगेंस्ट सिंक्स, सप्लाईज एंड इक्विपमेंट. सिंक सप्लाइड इक्विपमेंट्स के बारे में क्यूरियस रहना है आपको, कहाँ इक्विपमेंट है, क्या चीज है, कहाँ क्या सप्लाई हुई है, इसके बारे में क्यूरियस रहना. उसके बाद टचिंग योर आईज, फेस एंड ईयर्स. कोविड जब आया
तो मैं दिल्ली के अंदर सबसे पहले पोस्टिंग हमारी हुई कि कोविड आ गया भाई पोस्टिंग का। हमारा मेन मोटो क्या होता था, हम जो सीखे थे सबसे पहले जो थ्योरी आई थी कोविड की, कोई आई थी का कोविड यहां से टच होता है, ऐसे ऐसे फैलता है, पूरा नीला सा पड़ता जाता है, ग्रीन पड़ता जाता है, दूसरे हाथ से इन्फेक्ट। हमारा सबसे मेन मोटो था कि कोविड में यदि कहीं भी तुम काम कर रहे हो तो ड्यूरिंग दैट टाइम यू शुड नॉट टच द आईज नोज एंड माउथ, क्योंकि शरीर में कहीं कोविड का वायरस लग गया है आप जाकर नालोगे निकल जाएगा, लेकिन यदि आपने पेशेंट को टच किया या इन्फेक्शन यदि आपने अपनी आंखों पे नोज में ली तो ये पोर्टल ऑफ एंट्री है, यहां के थ्रू वो एंट्री कर लेगा। समझ में आया बेटा? यूज प्रैक्टिसेस ऑफ पर्सनल ग्रूमिंग दैट हेल्प प्रिवेंट स्प्रेडिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म। क्या बात है, पर्सनल ग्रूमिंग। पर्सनल ग्रूमिंग के अंदर आपके नेल्स भी आते हैं कि नेल छोटे होने चाहिए, ये नहीं आपने बना रखे राक्षसाकार नेल्स। मरीज के पास जा रहे हो, इंजेक्शन लगा रहे हो, मरीज को आपके नाखून पहले चुभ रहे, सुई बाद में चुभ रही है। आपके बाल बिखरे हुए हैं, आप मरीज के पास जा रहे हैं, आपके बाल इधर से उसके ऊपर गिर रहे हैं। पर्सनल ग्रूमिंग मींस जो अच्छे अच्छे अपोलो 40 वहां पर पर्सनल ग्रूमिंग पे ध्यान दिया जाता है, मींस आपके हेयर शुड बी टाइड इन द हेयर शुड बी टाइड इन द बैक, नो आर्टिफिशियल, नो समटाइम नो लिपस्टिक, कोई लंबे लंबे ये ना पहने कानों के लटकते हुए जा रहे हैं। एनएसडी है ना, स्टार्ट देती है नर्सों को कि पहले कर लिए पैरों से ऐसे ना पहने कि आपके पैर आप चलो और आपकी पायल बोले छम 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 छम, आपकी शेव हो तो वो आपकी क्लीन होनी चाहिए, कोई बैक्टीरिया वायरस यदि शेव में फंस गया तो क्लीन शेव है तो जाके नहाओगे निकल जाएगा, वरना पता पड़े शेव में कुछ नहीं चल रही है, तुमने भी कुछ नहीं कर ली, इन्फेक्शन हो गया। तो यू हैव टू बी क्लीन एंड स्मार्ट। All body fluids from any patient is considered contaminated. बेटा सुनना, एक सबसे बड़ी चीज, patient के contact में जो भी कोई चीज आ जाती है, जो use करता है patient उसको touch कर लेता है, उसको infected ही माना जाता है और contaminated भी माना जाता है। ये नहीं, अरे यार patient तो यहाँ पे लेटा है, पीछे की शीशे पे थोड़ी कुछ किया होगा, उसके पीछे जो शीशा लग रहा है सामने उस पे कुछ नहीं, अरे उस पे भी किया होगा, पोंग तो किया होगा, शक्ल भी देखी होगी, शक्ल देखते टाइम छींक भी आई होगी, तो इन्फेक्टेड या कंटामिनेट तो वो चीज हो चुकी है, उसको भी क्लीन करना है हमें। सर्जिकल एसेप्सिस का मतलब ये बेटा, मेडिकल एसेप्सिस हुआ, सर्जिकल एसेप्सिस का मतलब क्या होता है बेटा, ड्यूरिंग सर्जरी आपको एसेप्टिक टेक्निक यूज करनी है जिससे कि कोई इन्फेक्शन ना हो। सबसे पहले तो हैंड वॉशिंग करने हैं आपको अप टू नी, अप टू एल्बो, तो नी नहीं, अबे हैंड वॉशिंग अप टू एल्बो तक आपको हैंड वॉशिंग करने है। प्रॉपर हैंड वॉशिंग की स्टेप्स आपको बुक में दी हुई है, किसी दिन हम बैठ के वीडियो बना लेंगे, हमें एक तो पेपर बैग बनाने की वीडियो बनानी है, एक हैंड वॉशिंग की वीडियो बनानी है। सर मेडिकल में हैंड वॉशिंग और टाइम के भी डिफरेंस है सर, तो वो हम हैंड वॉशिंग की वीडियो बनाएंगे, हैंड वॉशिंग की स्टेप्स प्रॉपरली फॉलो होनी चाहिए और एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ और टाइम ड्यूरेशन का ध्यान रखना है। उसके बाद आपको प्रॉपर ग्लव्स, प्रॉपर गाउनिंग, प्रॉपर मास्क, प्रॉपर कैप और प्रॉपर स्टेराइल तरीके से काम करना है। सर्जिकल एसेप्सिस मींस ड्यूरिंग सर्जरी इट शुड बी फ्री फ्रॉम पैथोजेंस। जब आप ट्रॉली पे इंस्ट्रूमेंट लेके खड़े हो तो कोई उसे टच ना करे। अब ट्रॉली पे जो इंस्ट्रूमेंट रखे हुए वो आपके स्टेराइल है ना, एसेप्सिस है, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। अब यदि मैं मेरे नंगे हाथों से उन इंस्ट्रूमेंट को टच करूंगा तो कीटाणु जा सकता है वहां पे और वो मरीज के किसी ओपन मुंड में काम आएंगे तो मरीज को इन्फेक्शन हो जाएगा और वो इन्फेक्शन में यदि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनस हुआ तो पस फॉर्म कर देगा। तो आपके टच करने से इतनी बड़ी बीमारी हो सकती है उसे। यदि आप हड्डियों के केस कर रहे हो, रॉड लगा रहे हो, प्लेट लगा रहे हो और वहां इन्फेक्शन हो गया तो मरीज की तो लाइफ खराब हो जाएगी। तो इस दौरान हमें एसेप्टिक टेक्निक का, एसेप्टिक टेक्निक्स का ध्यान रखना होता है और प्रॉपर यूज करना होता है। प्रॉपर यूज करते टाइम हमें स्टेराइल टेक्निक यूज करनी है और हमारे सर्जिकल एसेप्सिस के अंदर सबसे पहले फेस स्टेराइल फील्ड होना चाहिए, स्टेराइल इक्विपमेंट होने चाहिए, पेशेंट को स्पीक, स्नीज, कॉफिंग और ये खांसी और ये नहीं करना चाहिए। नेवर रीच अक्रॉस स्टेराइल फील्ड। कई बार ओटी के अंदर ये देखते हैं, ये नहीं कि तुम यहाँ पे केस कर रहे हो, घूम आ रहे हो और दीवार पे जाकर उधर ये कर रहे हो, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टेराइल एरिया आपके कॉन्टेक्ट में होना चाहिए। यूज प्रैक्टिसेस जो पर्सनल ग्रूमिंग पे ध्यान देना है। फैकल्टीज जो फैसिलिटीज और गाइडलाइंस है वो आपको यूज करनी है। बॉडी फ्लूइड्स, ये क्या कहते हैं, हैंडल लिक्विड्स,
कॉशनली नियर द स्टराइल फील्ड, ये नहीं कि आप स्टराइल फील्ड के आसपास में कोई एक्टिविटी करें या कोई फ्लूड को आप खोलें या करें, आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि स्टराइल एरिया इससे जो भी काम करना है उससे दूर काम करें। एज्यूम ए ऑब्जेक्ट इज स्टराइल, ऑलवेज चेक द स्टराइल एक्सपायरेशन डेट, हमेशा स्टरलाइजेशन की डेट देखनी चाहिए। नॉर्मल आप जब ऑटोक्लेविंग के लिए मशीन, ऑटोक्लेविंग मशीन के अंदर आप किसी इंस्ट्रूमेंट को पीसते हैं तो वो इंस्ट्रूमेंट 24 टू 48 आवर्स तक स्टराइल रह सकता है, उसके बाद उसे दोबारा स्टराइल करना पड़ता है। आपने स्टराइल कराया, पैकेट बंद करके इंस्ट्रूमेंट रखा है, जिसका मतलब ये नहीं है वो दो साल तक स्टराइल रखा रहेगा, 24 टू 48 आवर्स तक दोबारा फिर उसको स्टराइल करने के लिए भेजना पड़ेगा यदि आपने उसे यूज नहीं किया है। मास्क, ग्लव्स और गाउन पहनने, ये बेटा एक नॉर्मल जो प्रोसीजर है, नॉर्मल एक्सप्लेनेशन है वो एसेप्सिस का। बाकी की और हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बताएं। थैंक यू सो मच।